दोस्तों, आज मैं आपको एलिफेंट की लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। उससे पहले आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। हाथी विश्व का सबसे बड़ा जानवर है जो धरती पर रहता है। दुनिया में हाथियों की दो ही प्रजातियाँ पाई जाती हैं, अफ्रीकन हाथी और एशियाई हाथी। अफ्रीकन हाथी जमीन पर रहने वाला विशालकाय प्राणी है। वजन लगभग 6000 किलोग्राम के बीच होता है। एक शाकाहारी जानवर है जो विभिन्न प्रकार के पौधे, पत्ते, फल आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। हाथी खाने के शौकीन होते हैं और प्रतिदिन लगभग 16 घंटे भोजन में बिताते हैं। इस दौरान वे 600 पाउंड तक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। हाथी एक दिन में 40 गैलन तक पानी पी सकते हैं। हाथी एक बुद्धिमान जानवर है जो देखकर और नकल कर बहुत सी चीजों को सीख सकते हैं। हाथी के आंखों की रोशनी बहुत ही कम होती है। हाथी के दांत उनके जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। हाथियों की सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज होती है, जिस वजह से वह पानी की गंध को लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूर से ही सूंघ लेते हैं। हाथियों को पानी पीना बहुत ही पसंद होता है। वे पानी में गोता लगाना, तैरना और लहरों के साथ खेलने में बहुत आनंद लेते हैं। हाथी कई तरह से बात करते हैं, जैसे सूंड उठाकर, छूकर या गंध से एक दूसरे हाथी से बात करते हैं। हाथी बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी में बात करते हैं, जिससे हम इंसान उसे सुन ही नहीं सकते। हाथी खड़े खड़े ही सोते हैं। ये रात में लगभग 6 घंटे ही सोते हैं। यह सुनने में भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन हाथी चींटी और मक्खियों से डरता है। इसी वजह से वह अपनी सूंड फूक फूक कर आगे बढ़ता है। हाथी लंबी दूरी तय करने में भी सक्षम होते हैं। वे बिना आराम किए 6 घंटे तक लगातार चल सकते हैं। हाथी को झुंड में रहने की आदत है। अकेले में इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती। झुंड में कोई हाथी मर जाए तो सभी हाथी को बहुत ही दुख होता है। हाथी एक लौता ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता, लेकिन लंबे समय तक तैरने में सक्षम होते हैं। हाथी अपने कानों को बार बार हिलाते हैं, इस तरह वे अपने शरीर की गर्मी को बाहर निकालकर अपने शरीर का तापमान नियंत्रित रखते हैं। हाथी के शरीर का सबसे मुलायम हिस्सा उसके कान के पीछे होता है, इसीलिए उसे कान से ही काबू किया जाता है। अपने भारी वजन के बावजूद नवजात हाथी जन्म के कुछ समय बाद ही खड़ा हो जाता है। नवजात हाथी अंधे होते हैं। चलने फिरने के लिए ये अपनी माता या समूह के अन्य मादा हाथियों पर निर्भर होते हैं। 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हाथियों के प्रति लोगों को जागरूक कराना है।